दुनिया में सबसे मशहूर मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप नए साल की शुरुआत में यानी 1 जनवरी से लाखों स्मार्टफोन में बंद हो गया है। व्हाट्सएप ने खुद अपने सपोर्ट पेज के जरिए इस बात की जानकारी दी थी। कंपनी ने कहा कि कुछ डिवाइस में 31 दिसंबर से व्हाट्सएप का सपोर्ट नहीं मिलेगा। कंपनी के अनुसार व्हाट्सएप अब विंडो मोबाइल में जल्द बंद हो चुका है। इसके अलावा आईफोन यूजर्स भी इससे प्रभावित हो सकते हैं। यदि आपके आईफोन में iOS 7 से पुराना सॉफ्टवेयर है तो व्हाट्सएप आपके फ़ोन से हट जाएगा। हालांकि इसके लिए डेडलाइन 1 फरवरी 2020 तय की गई है। एंड्रॉयड में आपके पास अगर एंड्रॉयड 2.3.7 सॉफ्टवेयर है तो इसमें भी व्हाट्सएप का सपोर्ट बंद हो जाएगा। वहीं आईफोन में व्हाट्सएप चलाने के लिए iOS 9 या इससे ऊपर का वर्जन होना चाहिए। कंपनी ने कहा कि iOS 8 में आप व्हाट्सएप अकाउंट नहीं बना सकते और ना ही वेरीफाई कर सकते हैं। अगर फिर भी आपके स्मार्टफोन में व्हाट्सएप चल रहा है तो 1 फरवरी 2020 से बंद हो जाएगा। व्हाट्सएप के पुराने डिवाइस की सपोर्ट खत्म करने की वजह यह है कि व्हाट्सएप में दिए जाने वाले नए फीचर्स पुराने डिवाइस और सॉफ्टवेयर के साथ काम नहीं करते हैं। इसलिए कंपनी ने कहा कि सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए ये कदम उठाया गया है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।